क्लास 10 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 का 15th क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से ये 5 कार्ड्स अलग कर दिए गए हैं, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। अगर एक कार्ड रैंडमली निकाला जाता है तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि अगर क्वीन को हम अलग करके रख दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये 10 जैक क्वीन किंग एंड एस अब डायमंड्स इनको अलग कर लिया गया है तो टोटल ये कार्ड्स हो जाएंगे कितने, 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन। देखिए एक ही क्वीन है, 1/5 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि क्वीन को हमने अलग कर लिया, मतलब क्वीन इसमें से हटा दिए, तो अब कितने बचेंगे, टोटल 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ की हमको निकालना एस। अब टोटल आ गए हमारे ये 4, तो एस एक ही है और टोटल 4 1/4। ये सेकंड का ए पार्ट है, सेकंड का ही बी पार्ट है, उसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन निकालना है। तो देखिए यहाँ क्वीन है ही नहीं, तो 0/4 मींस 0। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का ए एंड सेकेंड पार्ट का बी।